का खबरदार कर देते हैं। भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 स्मार्टफोन एप्स को बैन कर दिया है। बैन किए गए एप्स में मशहूर गेम गैरिना फ्री फायर भी शामिल है। इसमें ज्यादातर एप्स चाइनीज है। हालांकि ये गेम, इसका डेवलपर चीन से नहीं सिंगापुर से है। पबजी पर बैन लगने के बाद यह ऐप भारत की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्स में से एक थी। सरकार ने जिन एप्स को बैन किया है उनमें ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, वीवा वीडियो एडिटर और एप लॉक शामिल है। ये सभी एप्स चीन और अन्य देशों में भारतीय यूजर्स का डेटा भेज रहे हैं। विदेशी सर्वर पर भारतीय यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है, इसीलिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को आदेश दिया गया। आपको बता दें कि 29 जून 2020 से अब तक 300 से तो फाइनली ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि हमारा फ्री फायर अभी बैन हो चुका है। हालांकि अभी हमारा फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन गाइस यार यहां पे 100% कंफर्म हो चुका है कि ये वाला जो हमारा फ्री फायर है बैन हो चुका है। और हमारा प्ले स्टोर पे अभी भी फ्री फायर मैक्स बाकी है, लेकिन आगे चल के हमारा फ्री फायर मैक्स भी रिमूव हो सकता है क्योंकि ओनर तो एक ही है ना। अभी फ्री फायर हुआ है, आगे चल के फ्री फायर मैक्स भी हो जाएगा। जैसे कि गाइस आप लोगों का पबजी भी कुछ ऐसे ही हुआ था, कुछ ऐसे ही आप लोगों को फ्री फायर भी देखने के लिए मिल रहा है। जो भी हो गाइस हमारा इंडिया पे बैन हो चुका है, इसका मतलब अभी आप लोग इंडिया पे फ्री फायर नहीं खेल सकते। जो भी हो गाइस हमारे इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग नहीं हो सकते। हमारे इंडिया पे बैन हुआ है तो हम नहीं खेलेंगे, इसको छोड़ देंगे। बट आप लोगों के मन में बहुत ही सवाल होंगे, यहाँ पे हम लोग इतने खर्च किए थे, हमारा आईडी इतने लेवल का है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जैसे कि BGMI अभी लॉन्च हुआ है, कुछ ऐसे ही आप लोगों को इंडियन वर्जन फ्री फायर देखने के लिए मिल सकता है और आप लोग इसी आईडी से ही खेल सकते हो। भाई लोग आपका फ्री फायर जब रिटर्न पे आएगा आपका आईडी भी उसी के साथ आ जाएगा, इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी फ्री फायर छोड़ के कुछ अलग करने वाला हूँ चैनल पे, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगर फ्री फायर रिटर्न पे आया तो हम फ्री फायर ही खेलेंगे और फ्री फायर का वीडियो ही अपलोड करेंगे। और मेरा इतना बड़ा कम्युनिटी तो है नहीं गाइस, आप लोगों को पता है, इसलिए जितने भी हमारे फैमिली हो तो आप लोग कॉमेंट कीजिए आप लोगों को कौन सा गेम अच्छा लगता है और हम कौन से गेम के वीडियो यहाँ पे डालें। हालांकि गाइस मैं आप लोगों को और एक बार बता देता हूँ, ये जो गेम है बहुत दिनों से मैं खेलते आ रहा था, मुझे भी बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन जो भी हुआ गाइस सही के लिए हुआ, कोई भी गलत नहीं हुआ। अभी आप लोगों को एक ही चीज पे ध्यान देना है, जो कुछ भी आता है वो परमानेंट नहीं रहता है, एक ना एक दिन उसे जाना पड़ता है। कुछ ऐसे ही हुआ है अभी हमारे साथ। तो गाइज आप लोगों को और क्या बताऊं यार, मुझे भी बहुत ही प्यारा था हमारा फ्री फायर, लेकिन अभी भी हमारा फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर चल रहा है, लेकिन मैं अभी गेम नहीं खेल रहा क्योंकि गाइज ये हमारे इंडिया पे तो बैन हो चुका है और हम लोग इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो सकते। हालांकि आप लोग VPN यूज करके इससे खेल सकते हो और ये हार्मफुल हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में सजेशन नहीं करूंगा कि आप लोग गेम खेलिए। अगर ये गेम जितने दिनों तक हमारे इंडिया के सर्वर पे चलता है तो आप लोग खेलिए, और जब भी बंद हो जाएगा पूरी तरह से आप लोग गेम खेलना छोड़ दीजिए। जब भी जेन्युइन तरीके से फिर से रिटर्न आएगा फिर से आप लोग फ्री फायर खेलने लग जाइए। तो गाइस यार होप करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, और कुछ नहीं कह सकता गाइस इसके बारे में। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए अमेजिंग वीडियो के साथ। अरे हाँ, जाते जाते कॉमेंट भी करते जाना कि आप लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए।